हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राम फ्रॉम इंडिया। टुडे जो है हम लोग यूएस बंगला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है वहाँ पे अभी हैं। आप ये कॉलेज कैंपस देख रहे होंगे, ये कॉलेज का हॉस्पिटल है। इस मेडिकल कॉलेज में जो है ढाका से 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है पेशेंट का फ्लो ज़्यादा है। आप इसका कैंपस देख सकते हैं, ये USBMCH जो है, ये कॉलेज जो है, जो यहाँ पे पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है। आप इधर देख सकते हैं, ये कॉलेज है आपको US बंगला मेडिकल कॉलेज, ये इनका कैंपस है। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आप देख रहे हैं कि ये जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे कितना पेशेंट का फ्लो है। ये US बंगला मेडिकल कॉलेज जो है आप देख रहे हैं, आप इधर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। आगे का रिसेप्शन का एरिया है, आप देख सकते हैं। ये जो है आप देख रहे होंगे US बंगला का, देखिए पेशेंट का फ्लो कितना ज़्यादा है। आप जो भी इंडियन स्टूडेंट आना चाहते हैं, आप यहाँ पे आ करके अच्छे से ट्रेनिंग आप ले सकते हैं US बंगला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा करके। इस तरह से पेशेंट का फ्लो है यहाँ पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे पेशेंट का फ्लो है। US बंगला मेडिकल कॉलेज एक गुड मेडिकल कॉलेज है, ढाका से थोड़ा सा डिस्टेंस है, जहाँ पे पीसफुल आप लिविंग भी आपका रहेगा और आपका एजुकेशन भी काफ़ी अच्छा होगा। इधर देखिए मेडिसिन शॉप है, इधर रिसेप्शन है, रजिस्ट्रेशन बिलिंग सेंटर है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो है हम एकेडमिक बिल्डिंग US बंगला मेडिकल कॉलेज जो बंगलादेश में है, वहाँ पे अभी हमें इस बिल्डिंग में टोटल जो है थ्योरेटिकल क्लासेज एंड लाइब्रेरी अवेलेबल है। माय डियर फ्रेंड्स, इस कॉलेज में जो है बांग्लादेश के अंदर में ये कॉलेज आती है, ढाका से अप्रॉक्स 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। यहाँ कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, रश नहीं है। यहाँ पे जो है कि रूरल एरिया के पेशेंट इस हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा आता है। अभी आप देख रहे होंगे ये बच्चों के लिए इसका US बंगला का बस है। अभी हम लोग आए हुए हैं ढाका से यहाँ पे बच्चों के रिव्यू देने के लिए। मैंने बच्चे से बात करी और बहुत अच्छा लगा ये हमें कॉलेज, US बंगला मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे आप अपने बच्चे को एडमिशन करवा सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप फाइनली देखिए, अब हम लोग आगे नेक्स्ट टूर पे जा रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर जय जी हैं। अब फाइनली जो है इस बंगला मेडिकल कॉलेज जो मुझे अगर देखा जाए तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ढाका में थोड़ा सा पॉपुलेशन बांग्लादेश में ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, आपको अच्छी तरह से पता है। ये कॉलेज थोड़ा सा 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, यहाँ पे रश कम है, यहाँ पे एकोमेंडेशन काफ़ी अच्छे है बच्चों को, और यहाँ पे खाने पीने में किसी तरह के बच्चे को दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ एकोमेंडेशन अच्छा है, हेल्दी बच्चे रह सकते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है। US बंगला मेडिकल कॉलेज आप आराम से प्लानिंग कर सकते हैं। अब फाइनली जो है, अब फाइनली बहुत गर्मी है, आप देख रहे होंगे धूप है। आप लोगों के लिए हमने ये सारा इंफॉर्मेशन गेट किया है। हाँ, तो अब फाइनली आप डिसीजन ले सकते हैं। अभी यहाँ का इंडिया की तरह टेम्परेचर होता है, अभी जो हम लोग घूम रहे हैं आप लोगों के लिए, कि जिस तरह से आप आराम से इस वीडियो को देख करके अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं अपना, कि कॉलेज के अंदर का वीडियो आप लोग देख लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देख पाते हैं। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।